सो दोस्तों, अभी ना मैं 15 मिनट से यहाँ पे आराम कर रहा हूँ और पैरों का दर्द थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो अभी ना मैं धीरे धीरे से निकल जाऊँगा घर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे। से फ्रेंड्स, आज ना हम लोग जा रहे हैं रानकुआ विथ साइकिल। तो आज का जो हमारे ब्लॉग है ना, फुल्ली ट्रैवल होने वाला है। तो रानकुआ है यहाँ से 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर जाना है और 40 किलोमीटर आना है, यानी कि टोटली 80 किलोमीटर। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों पार्ट वन, दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो बस दोस्तों, अभी चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं दिखाऊंगा आपको, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा खारेल। और फिलहाल हम लोग साइकिल पे है, देख लो आपको। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइकिल बीच में ड्रॉप कर दी और गाड़ी पे चला गया, ऐसा नहीं। चले साइकिल पे ही चलते हैं। और मुझे ना आज शाम हो ही जाएगी लगता है, वहां से यहाँ तक आने में शाम हो जाएगी, तो खाना वाना सब कुछ नाश्ता कर लेगी। चलिए चलते। तो दोस्तों हम लोग ना यहाँ पे बीच में रुके हैं क्योंकि मुझे पता चला यार कि संडे को साइड से जानकी वन बंद रहता है। गूगल मैप के थ्रू पता चला, टाइमिंग नहीं बताई। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया है, तो उसका फोन आता ही होगा, तो वो बता देंगे। अगर खुला रहता है तो मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, अगर बंद है तो मैं फिर से घर चला जाऊँगा, कोई और ब्लॉग शूट कर लूँगा। और मेरे तो आज इच्छा है कि मैं जाऊँ भाई। अभी ना सुबह के 10:15 हुई है और मुझे ना अभी वहाँ पे 12 या फिर 1 बजे के बीच में मेरे को पहुँचना है वहाँ पे, तो बहुत टाइम लगेगा यार। और हाँ, 42 किलोमीटर है यार, यानी कि 42 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं साइड से। तो दोस्तों जानकी वन ना आज खुला है, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल, तो साइड से जल्दी पहुँच भी जाऊँ। दोस्तों मुंह पे अभी मास्क पहन लूंगा और सीधे अभी खारेल पे बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों एक सीन हो गया भाई यार, मैं अपना जो मास्क होता है ना वो लाया ही नहीं यार आज, तो फिर से मुझे जाना पड़ा है अपने घर। यार आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं टाइम पे, और किसी को बताया भी नहीं है यार मैंने घर पे, अगर बताऊंगा तो बहुत पिलेंगे मेरे को। चले कोई ना। A few inches later. तो है दोस्तों, हमें ना ये रुमाल और गॉगल्स दोनों मिल गए, तो अभी यार बहुत लेट हो गया हूँ यार, 10:35 हो गई है अभी तक। आज यार टाइम पे पहुंच जाओ तो अच्छा है, वरना अभी कुछ नहीं बोलूंगा। चलो यार। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। दोस्तों आज मेरे को रियलाइज हुआ कि यार साइकिल चलाना और साइकिल पे बेचने जाना, इन दोनों में कितना फर्क होता है। मतलब मेरा बैग जो है ना अभी 5 से 10 किलो का वेट होगा उसमें पानी के साथ। दोस्तों फाइनली हम लोग खारेल तो पहुंच गए हैं, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। तो अभी हमने 6 किलोमीटर काट लिए हैं, अभी और कितने बाकी है भाई, 36। हाँ दोस्तों, हमने साइकिल यहाँ पे रखी है और अभी ना यहाँ से हाथ पैर धो लेते हैं और एक स्प्रिंग की बॉटल खरीद लूंगा, उससे एनर्जी मिलती है ना, 20 रुपये की आती है इसलिए। तो दोस्तों पानी पी लेते हैं अभी, और मैं ना दूसरे पार्ट में जानकी वन दिखाने वाला हूँ और इस पार्ट में फुल्ली ट्रैवल ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है, मैंने स्ट्रिंग की बॉटल खरीद ली है, तो बीच में कहीं पे पीऊंगा, यहाँ पे नहीं पीऊंगा, अभी एनर्जी है मेरे पास। तो अभी ना बैग को मैं यहाँ पे रख दूंगा और फिर चलते हैं इस साइड, क्योंकि रानकुआ भी इस साइड है और जानकी वन भी इसी साइड है, तो सीधे ही जाना है हमको। वैसे तो गूगल मैप है अपने पास, लेकिन टाइम पे पहुंचना पड़ेगा 12 या फिर 1 बजे के पहले। तो दोस्तों अभी सीधे जाना है हमको रानकुआ की ओर। तो सही दोस्तों, अभी ना 11:10 हुई है और अभी हम लोगों ने ना आधा रास्ता पार कर लिया है, मतलब कि आधा पार ही कर लिया ऐसा समझ लो। तो मैं अभी रानकुआ वाले रास्ते के ऊपर हूँ और यहाँ से बोड़ुआ ना 7 किलोमीटर है। और अभी ये बैग निकाल दिया ना, तो स्पीड भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हूँ और एनर्जी भी उतनी खर्च नहीं हो रही। हाँ, सांस थोड़ी फूल रही है दोस्तों, उसका एक कारण है यार, लगातार पैंडल चला रहा हूँ ना, उसके होटल सांस फूलती है और कोई। तो चलिए अभी रानकुआ का दिखाऊंगा और रानकुआ में थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों रास्ते में ना मुझे एक नहर मिली है, ये देखो भाई लोग क्या कितनी लंबी है यार, सांप जैसे। और इस साइड देखो यार, अरे वो बीच में पूल तो देखो भाई, लेकिन मैं बीच में गया ना तो डूब के मर जाऊंगा। तो दोस्तों मुझे ट्रैवल तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन साइकिल ट्रैवल ना बहुत हार्ड होता है भाई। आज का टास्क ना बहुत ही हार्ड है, मतलब कि 42 किलोमीटर यानी कि 84 किलोमीटर का फुल्ली ट्रैवल है आज मेरा। और साइड से ना मैं एक बात बता दूं, ये 100 किलोमीटर भी हो सकता है साइड से, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास रॉयल इनफील्ड होती ना, गारंटी के साथ ना मैं उसी को लेके जा रहा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे ही नहीं है तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पैसा है अगर तो अफोर्ड कर लूंगा उसको, मेरी पहली पसंद वही है। तो दोस्तों ये जो टास्क मैंने सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा हार्ड टास्क है भाई ये, उससे कहीं ज्यादा हार्ड है। तो चलिए एक काम करते हैं, स्ट्रिंग की बॉटल पी ही लेते हैं तो एनर्जी आ जाएगी थोड़ी बहुत।
तो दोस्तों यार यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड हो रखा है। तो दोस्तों मेरे शरीर के साथ साथ ना मेरे मुंह की भी हालत खराब हो रखी है, बाल की भी हालत खराब हो रखी है, मतलब कि ये पहना था ना इसीलिए। ऐसे भी दोस्तों बहुत ज्यादा धूप हो रखी है भाई, आ गई एनर्जी। चलो अभी रान को नहीं, अभी सीधे सापुतारा चल रहे हैं क्या यार। अभी दोस्तों 25 तक का सफर अभी बाकी है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं और हमने पूरी तैयारी कर लिया और एनर्जी भी आ गई है, मतलब कि एनर्जी की कमी की वजह से ना थोड़ी देर आराम कर रहा था वहाँ पे। तो अभी कोई ना, अभी चलते हैं सामने की ओर। तो है दोस्तों अभी ना हम लोग रान कुआ में पहुंच गए हैं और रान कुआ में देखो यार, मतलब कि क्या व्यू है ये सब देख लो। हमें जाना है इस साइड। है दोस्तों मुझसे ना बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है, 25% ही रास्ता बाकी है। तो मैं जहाँ पे खड़ा था ना, जहाँ पे वो पेड़ गिरा था मालूम है आपको, तो वहां से ना आधा रास्ता बाकी था भाई, आधा रास्ता। सो है दोस्तों अभी ना मैं यहाँ पे कोई जगह के पास आराम कर रहा हूँ, तो नाम नहीं मालूम, और यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। तो 10-15 मिनट का रेस्ट लूंगा, चाहे जितना टाइम लगे यार, आज तो जानकी वन जाते ही रहूंगा। अभी भी 15 किलोमीटर बाकी है यार। कितना दूर है? यही रास्ता है ना, रास्ता यही है ना यार। कुछ बोल ही नहीं रहे, हिंदी नहीं आती लगती है उनको। तो जानकी वन ना अभी 9.5 किलोमीटर ही बचा है, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो एक्साइटेड। सो दोस्तों ये देखो यार मेरे हाथ देखो, मतलब पूरे लाल भाई, पूरे के पूरे लाल हो गए दोनों हाथ, यानी कि ऐसे कस के पकड़ता हूँ ना उसके वजह से हाथ भी लाल हो गए। तो दोस्तों अभी ये देख लो, अभी तो अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, 10 किलोमीटर दूर से मैंने देखा था इसको, 10 किलोमीटर दूर से। भाई ये सफर जितना इजी है ना आपको देखने में लगता होगा ना, उतना है नहीं। अगर आप मेरी जगह पे होते ना तब आपको पता चलता कि भाई ये सफर क्या मजेदार है, मतलब कि पैरों के लिए सजा है लेकिन अपने लिए मजेदार है। तो अभी जानकी वन आने वाला है, सिर्फ 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रह गया है, 3 किलोमीटर जैसा, तो वही पे दिखाऊंगा। चलो सो ये दोस्तों पढ़ लो कहाँ पे आ गए हम लोग, जानकी वन इधर जाना है भाई लोग। तो दोस्तों अभी जानकी वन आ गए है। अबे जाना यार, तेरे को किसने मना किया है? नहीं आपसे नहीं यार, इनसे बोल रहा था। तो चलिए जानकी वन की ओर निकल रहे हैं भाई बहुत। सो ये दोस्तों पहुंच गए हैं फाइनली जानकी वन। मैंने कहा था ना मेहनत करते रहो पहुंच जाओगे, देखो यार जानकी वन। अरे वो चीटा ऊपर क्या कर रहा है भाई। सो ये दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे तो पहुंच गए और बहुत ही हार्ड टास्क था भाई, मतलब कि बहुत ही हार्ड, मेरे तो पैर इतने दर्द कर रहे हैं कि क्या बताऊँ अभी आपको। हे दोस्तों यार यहाँ पे फोन भी है, मैं भी हूँ, लेकिन शूटिंग करने वाला कोई नहीं है। मुझे यहाँ पे एक फोटो शूट करवानी है, एक शूटिंग वाला भी कोई नहीं है भाई, मैं किसी को बोल रहा हूँ। सो ये गाइस अभी ना मैं रानकुआ के पास पहुँच गया हूँ, जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ। तो यार मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पैर से जाने की ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने ना रॉड घुसा डाली हो पैर में, ऐसा लग रहा है दोनों पैर में। अभी भी मेरे को 17 किलोमीटर काटना है भाई, तो वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ दिखाऊंगा अच्छे से। फ्रेंड्स अभी ना मैं खारेल के पास पहुँच गया हूँ। दोस्तों अभी ना मैं खारेल के पास पहुँच गया हूँ, पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, शायद से कल मेरा ब्लॉग ना आ पाए, देखता हूँ आता है। बहुत ज़्यादा पैर ना दर्द कर रहा है। अभी भी मेरे को 9 किलोमीटर यहाँ से जाना है, 9 किलोमीटर। आज के बाद कभी साइकिल ड्राइविंग नहीं करूँगा, चाहे तो घर पे बना लूँगा ब्लॉग, लेकिन साइकिल ड्राइवल नहीं करूँगा यार, हो पाता है तो करेंगे जरूर। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे आराम करता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ। सो दोस्तों अभी ना धीरे धीरे से निकल जा रहे हैं और टाइम हुआ है 5:45, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। घर जाने के बाद ना पानी गर्म करूँगा और पैर उसमें डुबो डालूँगा, तो शायद से रिकवर हो सकता हूँ 1-2 दिन में, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, मतलब कि वो ड्रिंक की बॉटल पी ना 2-3 इसलिए। हे दोस्तों अभी 6 बज गए हैं भाई लोग और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मतलब कि पैर बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। तो पेट्रोल पंप आ गया भाई, तो पेट्रोल पंप आ गया, यानी कि घर बहुत ही नज़दीक है भाई। चलिए दोस्तों बस इतना ही, आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।